स्वागत है आप ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। गाड़ी आज भैया बताएंगे, आज हमारे पास अर्टिगा 2020 आया हुआ है। तो हम अर्टिगा में बैठे हैं। जो अभी गाड़ी भैया कौन सा मॉडल रहने वाला है अपनी गाड़ी का? इनका है VXI रहने वाला है। तो गाड़ी में जो हमने डाला है क्या क्या डाला है, मतलब जो मैंने देखा था गाड़ी अपने पास बिल्कुल ऐसे कहते प्लेन आई थी VXI है। तो इसके अंदर हमने सारा काम किया, बट सिर्फ एक सीट कवर और स्टीयरिंग कवर काम नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने अपने चूज के हिसाब से बोले तो मैं बनवा करके लगवाऊंगा, नेक्स्ट टाइम आऊंगा। तो ऑर्डर पे बन रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है भैया, पर टाइम कम है क्योंकि अभी अपने 7:30 हो रहे हैं, तो भैया शायद कल परसों आएंगे अपने पास। तो भैया क्या क्या मतलब क्या अभी थोड़ा सा डिटेल में होता फिर हम काम दिखाएंगे। इसके अंदर हमने एक तो टेस्ला स्टूडियो लगाए हैं, क्योंकि आजकल फॉर्चुनर फ्यूचुनर में तो नॉर्मली लग रहा है, तो अर्टिगा में हम पहली बार दिखा रहे हैं जो अर्टिगा अपने पास है। पीछे हमने इसमें मूविंग कैमरा लगाए हैं, ठीक है, और बाकी स्पीकर जो इनका रहने वाला है स्टॉक स्पीकर रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हमने फ्लोरिंग किए हैं अंदर की अगर बात करें तो, और एक 70 मैट किए हैं। ठीक है, और आउटर में सारे क्रोम वाइजर साइड बीडिंग रिफ्लेक्टर लाइट स्पॉइलर एंड रूफ रेल, और फ्रंट में अगर आप वही देखना चाहते हैं तो IPH के प्रोजेक्टर लगाए हैं हम। अच्छा, एक चीज हमने आगे खास की है जो अपने सेल्टोस में आती है, लाइक वो हम अभी दिखाएंगे आपको। इसके अंदर हमने IPH प्रोजेक्टर डाले हैं, उसके अंदर HID डाल करके फिर उसके DRL लगाए हैं, वही पीछे हमारा पिलर लाइट भी लगा इसमें, और वही ऊपर हेडलाइट में HID डाले, लो बीम में हाई बीम में हमने LED डाले हैं, और हेडलाइट के ऊपर जो हमने DRL डाले हैं और सेल्टोस की लुक हमने दी, सेल्टोस की लुक दी बिल्कुल। तो आज का वीडियो बड़ा एक्साइटिंग रहने वाला है, तो चलिए अब आज हम फिर शुरुआत करते हैं, सेल्टोस के ही दिखाते सबसे पहले। थोड़ी सी अंदर के वुडन के काम भी हुआ है, वेलकम लाइट भी लगा, सारा हम दिखाते हैं। तो मतलब गाड़ी में अपना बहुत काम हुआ है, एक अलग हटके हमने गाड़ी बनाया, बाकी आप दिखा सकते हैं वीडियो पूरा देखने वाले आज। चलिए पहले मैं का बोर्ड दिखा दो, क्योंकि जे ऑटो आ रखे, फिर भी एक बार आपको बोर्ड दिखा दो, फिर गाड़ी का काम बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। यहाँ आ रखे जे ऑटो, जो कि आपको पता है यहाँ भाई गाड़ी का काम हुआ है, तो चलिए एक बार चलते हैं, दिखाता हूँ आपको काम क्या क्या हुआ अपनी गाड़ी में। स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो अपनी इस स्पेशल चीज़ हुई, आपने शायद ही अर्टिगा में एक चीज़ देखी थी जो हमने सेल्टोस वाली लुक डाल दी, वो अपनी सेल्टोस में वाली लुक आती है जो कि सेल्टोस को खास बना दी, तो वही वाली चीज़ हमने अर्टिगा में डाल दी। लुक देखो कितनी बढ़िया आ रही है। अब बात करते हैं लाइट्स वगैरह की, तो भैया इसमें IPH के प्रोजेक्टर वगैरह लगे हैं ना? इसके अंदर IPH के प्रोजेक्टर डाले और क्रिस्टल आई की HID। ठीक है, इसके अंदर क्रिस्टल आई की HID वगैरह ली। भैया वारंटी की बात करते हैं, क्या वारंटी मिलने वाली है? एक साल की पूरी वारंटी मिलने वाली है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो एंड टू एंड रिप्लेसमेंट की। ठीक है, तो HID के अंदर की बात करें तो एंड टू एंड रिप्लेसमेंट। आउटपुट थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर हम इसकी अपने DRL वगैरह की बात करेंगे। बाकी आउटपुट देखो, काफ़ी बढ़िया हैवी आउटपुट रहने वाले। भैया ये अपना हाई बीम में लो बीम में? ये हमने हाई बीम उठा रखा। अच्छा, हाई बीम कर रखे, एक बार लो बीम में दिखाना किस टाइप का रहेगा इसके। हाई बीम कंटिन्यू हम कर रखे हैं। अच्छा, ये हाई बीम में ही रहेगा? कंटिन्यू हाई बीम हम कर रखे हैं। ठीक है, तो ये हाई बीम में रहेगा। बाकी इसमें अगर कोई करा जाए तो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी हाई बीम में आउटपुट देखो कितना बढ़िया है, क्योंकि अपनी जैसे अपनी लाइट्स वगैरह बंद हो रखी है, तो सिर्फ जो मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अपने जो प्रोजेक्टर का ही आउटपुट है। बाकी थोड़ा लाइट्स में बात करते हैं, तो भैया लाइट्स वगैरह क्या डाली अपनी गाड़ी में? अब इसके अंदर हमने जो डाले हैं जी, पहले आप आउटपुट देखो, तो अपनी हेडलाइट का ये आउटपुट है, बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट रहने वाला है। मतलब रात को तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है हाईवे वगैरह पे जो अंधेरे की सड़कों में। तो भैया थोड़ा सा बताना क्या लाइट्स वगैरह डली इसमें, अगर हम बात करते तो इसके अंदर हम बात करें तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर हमने IPH डाले हैं इसके, और HID ये DRL डाला है। वही अगर बात करें तो ये इधर ABS गार्ड हम डाले हैं। ABS गार्ड बिल्कुल, जो स्कॉर्पियो में अक्सर देखा होगा, अभी अपना जो है अर्टिगा में भी अपने पास आ चुका है, या फिर अपने क्रिस्टा के अंदर वाले क्रिस्टा में भी अवेलेबल हो चुका है। ये क्रोमिंग का काम आप देख सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, बट भैया करवा के आए थे क्रोम कंपनी से, हमारे पास भी अवेलेबल है क्रोम। ठीक है, यही आप बाकी आप ये करवाना चाहो तो क्रोम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इधर हम लो बीम में HID डाले हैं। ठीक है, कोई हाई बीम बात करो तो हम LED डाले हैं। ठीक है, क्योंकि LED डालने का मेरा मेन मकसद ये था कि कस्टमर को डिपर पॉइंट में दिक्कत ना हो आइए। ठीक है, डिपर चाहिए हो तो इसलिए LED डालना पड़ता हमें। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ये लाइट देखेंगे तो हम ये जो अपनी खास चीज़ है, बिल्कुल ये खास चीज़ बनाती है, सेल्टोस वाली लुक दी। एक बार भैया थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा इंडिकेटर्स वगैरह भी दिखा, चला के दिखाना कि क्या लुक रहने वाली है। ये आप लुक देखो किस टाइप की आने वाली गाड़ी, बहुत ही बढ़िया लुक। अपने नीचे जो DRL लगे हैं अर्टिगा के आते हैं ये वाले L शेप में, बाकी ऊपर जो है ये सेल्टोस वाली लुक देगी। तो गाड़ी जब आपके इंडिकेटर में चलेगी ना तो आप देखना किस टाइप की लुक आएगी। भैया अभी ये जो अपने पार्किंग लाइट चली है, अगर पर्टिकुलर एक साइड का इंडिकेटर चलता है, गाड़ी हम टर्न करते हैं तो क्या लुक आएगी, थोड़ा वो दिखाना एक बार भाइयों को। तो देखो आप, बहुत ही बढ़िया लुक रहने वाली है अपनी गाड़ी की।
बिल्कुल डिफरेंट लुक है, अर्टिगा में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। बाकी बात करते हैं जो ABS वाले, जैसे भैया ने बताया ABS गार्ड वगैरह, तो वो गाड़ी जो है मतलब अपनी साइड में चला, अब इस साइड का भी देखो आउटपुट इस टाइप का रहने वाला है। तो ये देखो आप, इस जो फ्रंट में ना गाड़ी की लुक बहुत ही ज़बरदस्त बना दी गई है। बाकी थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड में जो भैया ने अपने प्रोफाइल में व्हील कवर डाल रखे हैं, डुअल टोन में आते हैं। और एक चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी है, जो अंदर भैया ने ना पेंट करा दिया तो थोड़ी सी अलॉय लुक आएगी। हाँ, तो अपनी गाड़ी चलेगी, लगेगा नहीं कि भाई इसमें व्हील कवर लगे, तो गाड़ी चलते हुए लगेगा, ये अलॉय वाली फील आने वाली है अपनी गाड़ी में, मेरे को लग रहा है। ये चीज़ बात करें तो साइड में ये देखो क्रोम वाली फील दी है, क्योंकि अपनी गाड़ी में अच्छा खासा क्रोम का काम हुआ है। ये अर्टिगा ब्रांडिंग की गाड़ी की लुक भी सही हो जाती है, उसके बाद सेफ्टी भी रहे, ठीक है। ये देखो विंडो गार्निश, इसको विंडो क्रोम भी कहते हैं। हाँ जी, इधर आप देखेंगे डोर वाइजर का काम हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ, डोर वाइजर देखो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। वो इधर है कि रूफ रेल जो हमें डाले XL6 वाली लुक डाले, ठीक है। जो XL6 में लुक रहती है वो वाला रूफ रेल डाला है अपनी गाड़ी में। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ सो देट आपको एक आइडिया हो जाए गाड़ी की अपने लुक किस टाइप की रहने वाली है। थोड़ा वही अगर बैक प्रोफाइल में आप आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इंडिकेटर ये देखो, ये अपने बेसिकली रिफ्लेक्टर लगे हैं विद ब्रेक लाइट विद इंडिकेटर, अपनी मैट्रिक्स वाली लुक रहती है ना इसमें। हाँ जी, और ये क्रोम भी आप खुद डाले, क्रोम कंपनी से लग करके आया है बट हमारे पास अवेलेबल है, तो जिस बाइक के पास बेस मॉडल है वो लगवा सकते हैं। ये डिफ्यूजर का काम हुआ है, डिफ्यूजर काम हुआ है, ये स्पोर्ट्स लुक बनाता है गाड़ी में। वही हमें इधर एक कैमरा इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। ये वाला कैमरा लगा, नाइट विजन दिखाऊंगा, ये कंपनी से नहीं लग के आया था, ये हमने इंस्टॉल किया है। तो ये वाला भी भैया, ये पूरा क्रोम हमने इंस्टॉल किया, ये कंपनी से लग के आया था, ये वाला सिर्फ हम सेंटर पॉइंट डे वाले क्रोम हम किए हैं, और एक ये यू लगाया है, ठीक है। तो ये वाला क्रोम हमने खुद लगाया है। हाँ जी, ये वाला पिलर लाइट आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी अपना इंडिकेटर के साथ भी चलेगी, प्लस इसका भी भैया प्रॉपर फंक्शनिंग दिखाना है एक बार। थोड़ा सा मैं पीछे से लुक दिखाया था दूर से, क्या लुक रहने वाली अपनी गाड़ी की एक बार, थोड़ा सा लुक देखो गाड़ी के पीछे, बहुत ही बढ़िया लुक हो गई है। ये देखो ब्रेक में लुक देखो, अब छोड़ छोड़ दे, ये देखो आप। तो भाई अपनी गाड़ी, ठीक है, ये स्पॉइलर भी लगाया, ये देखो मतलब अपनी गाड़ी की बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक बना दी भैया ने, जो चीज़ हमको VXI में नहीं मिलती वो सर, ठीक है। ये पूरा एक बार दिखा, ये पूरा क्रोम भैया हमने खुद लगाया ना, ये वाला जो पीछे तक पूरा आ रहा है, ये देखो, ये आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वाला। और इधर भी भैया ये अपना वॉइजर में आता है पूरा, तो वॉइजर सेट आता है पूरा अपने पास। ये पूरा तसल्ली से मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़, ये आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी में कितना अपना बढ़िया काम हो रखा है। देखो तो भैया को तो इतना अच्छा लग रहा है, देखो भैया कह रहे हैं मैं तो गाड़ी बैठ रहा हूँ वीडियो बनाते रहूँ, मज़ा आ रहा है ना भैया गाड़ी के काम का, मज़ा है ना। तो जो भी काम अपनी गाड़ी में सारा इधर काम हुआ है, देखो क्रोम अपना पूरा यहाँ तक हुआ है। अब अंदर अंदर की बात करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं गाड़ी के, अंदर की प्रोफाइल क्या रहने वाली है। अंदर की बात करते हैं, जो गाड़ी में बहुत ही स्मार्ट जो वुडन फिनिश दे दी गई है, लुक देखो डोर्स पे भी दे दी गई है, प्लस इधर भी दे दी गई है। अंदर घुसने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, वेलकम लाइट जो अर्टिगा की, जो अपनी लग्जरी कार्स में चीज़ आती है ना, वो वाली जो फील इसमें दे दी गई है। ये कितने नीचे फ्लोरिंग भैया, ये तो डाई वाली फ्लोरिंग लग रही है, तो डाई वाली फ्लोरिंग हुई है, क्योंकि क्या होता है जैसे नॉर्मल फ्लोरिंग में रिंकल वगैरह आते हैं ना, वो डाई वाली में वो चीज़ नहीं रहती। इधर एक 70 मैट देखो, तो इसकी तो कवरेज वगैरह बहुत अच्छी रहने वाली है, और गाड़ी की सेफ्टी रहती है, ड्राई क्लीन से आपकी गाड़ी बच जाती है, फ्लोरिंग और प्लस 70 मैट और लगा रखें तो काफ़ी रिकमेंडेड आइटम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया अगर आपने 70 मैट नहीं लगवाने, कम से कम फ्लोरिंग तो कराओ कराओ गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है। बाकी ये देखो, ये भैया मतलब ये चीज़ ना गाड़ी को एक लग्जरी फील दे रही है, जो अपना वुडन का काम हुआ है। ये नॉर्मली अपने जो इनोवा टॉप मॉडल में ये चीज़ मिलती है, वो वाली चीज़ भैया ने इसमें करा दी है। बाकी ये जो यूनिक चीज़ है, मतलब हमने आज तक किसी अर्टिगा में नहीं देखी, फॉर्चुनर में अक्सर देखी होगी पर अर्टिगा में हमने देखी टेस्ला स्क्रीन। इसका कैमरा भी मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये देखो, तो बैक कैमरा जो आपको दिखाया था ना, ये थोड़ी सी इधर अगर लाइटिंग के भी अगर देख सकते हैं, तो पीछे क्रेटा की हेडलाइट जल रहा है। हाँ जी, और तो फॉग लाइट की रिफ्लेक्ट आ रहा है इसलिए, नहीं तो इधर आप इस तरफ देखें कितनी क्लियर है जी नाइट मोड में। आप थोड़ा इस साइड से देखो, अब इसकी क्लैरिटी चेक करो, ये तो थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, पीछे क्रेटा खड़ी है, अगर आप इस साइड देखोगे तो क्लैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो, क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त मिलने वाली, प्लस अपनी टेस्ला की स्क्रीन है और डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो भैया बेसिकली अपना ये पूरा एंड्रॉयड ही रहने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ साउंड वगैरह। हाँ जी, ताकि तो भैया स्पीकर वगैरह भी हमने डाले, ये स्टॉक स्पीकर कंपनी स्टॉक स्पीकर है, हमने जो अपने स्क्रीन वेंट डाली। हाँ जी, तो अंदर जो बेसिकली काम हुआ है ना, फ्लोरिंग वगैरह में का काम हुआ है और स्क्रीन डली है,
प्लस जो है अपने लाइट्स वगैरह भी लगेगी, एटमॉस्फेयर लाइट वगैरह, ठीक है, अंदर अपना यही काम होगा। हाँ जी, और सीट कवर भैया लेटर ऑन लगाएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो एक बार गाड़ी का पूरा लुक दिखाता हूँ आगे से, क्योंकि जो मेन काम हुआ अपनी गाड़ी में बाहर ही हुआ है, जो लुक बहुत ज़बरदस्त होगी गाड़ी की। तो एक बार गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देखते हैं भैया, एक बार थोड़ा दिखाना स्क्रीन का टच वगैरह पूरा क्या दिखा। और मेमोरी की बात करें, कितना GB मेमोरी रहने वाली इसकी भैया? 2 GB रैम, ठीक है, और 16 GB इंटरनल मेमोरी। तो देखो पूरा भैया यूट्यूब वगैरह सब एक बार दिखा दो, मतलब चला के मैं देखो भाइयों को दिखा दो क्या क्या फीचर मिलने वाले। बिल्कुल जी, मैं अभी टाइम सेटिंग करने जा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, जो सेटेलाइट टाइम है इसका, अपना इंडियन टाइम जो रहने, इंडियन टाइम जो रहने वाला है वो कलकत्ता पे अगर मैं डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाएगा अपना, 9:05 हो गया ऑटोमेटिकली हो गया, हमको कुछ करने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, इसका डिस्प्ले साइज क्या रहने वाला, कितने इंच का डिस्प्ले आता है हमको इसमें? इसके अंदर हमारा अगर वर्टिकल स्क्रीन के देखते हैं तो 9 इंच इसमें मिलने वाला है। इधर हमारा टेस्ला में 10 से 11 इंच टोटल पड़ता है, 10 से 11 इंच के आसपास पड़ता है इसका डिस्प्ले। तो ये सारा अपने गांव, एक बार गाड़ी की मैं वुडन लुक दिखाता हूँ, पीछे की साइड दिखाता हूँ, इधर देख लो जो अपना मेन जो है ना लग्जरी लुक बन गई गाड़ी की। और स्क्रीन वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है, ये टेस्ला की स्क्रीन लगी है, बहुत ही गाड़ी को एक यूनिक बनाती है अंदर से। बाकी ये सारा काम हुआ है, एक बार पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम 360 डिग्री व्यू देखेंगे गाड़ी का। ये देखो पीछे भी जो है डोर्स वाली साइड पे हुआ है, बहुत ही एक लग्जरी फील जो रहती है ना गाड़ी में वो वाली चीज़ हुई है। पीछे वाली साइड भी है, तो ये 4 डोर पे रहता है, कोई भी आप गाड़ी हो सबका मिल जाता है, 4 डोर वाली, 4 डोर में मिलती है आपको वेलकम लाइट। करो गाड़ी की जो अपनी मेन लुक आगे से बहुत ही प्यारी वो लग रही है। तो भैया आए आज हमारे पास अर्टिगा लेके, जैसे मैंने आपकी गाड़ी का काम दिखाया, तो सर कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, अच्छा पानीपत पड़ता है, तो पानीपत से स्पेशल आए दिल्ली हमारे यहाँ गाड़ी का काम कराने अर्टिगा का। सर क्या कहना है आपका काम के बारे में? काम बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है, मतलब काम जो आपने एक्सपेक्ट किया उस हिसाब से आपको काम मिल गया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। भैया तो भैया थोड़ा अगर बात करते हैं कॉस्टिंग की, क्या कॉस्ट आई अपनी ये गाड़ी में रेडी करने? ओवरऑल 70,000 में। 70,000 में गाड़ी की लुक बहुत ही, मतलब एक जो कहते हैं ना लग्जरी फील है गाड़ी में, वो वाली चीज़ आ गई है। चलिए थैंक यू भैया। टॉप मॉडल तो था, टॉप मॉडल से भी ऊपर चली गई ये, मतलब जो अपने कहते हैं लग्जरी गाड़ी, ऐसे मैं कह रहा हूँ वही वाली चीज़ मेरे को लग रही है। चलिए थैंक यू भैया। ओके सर, ओके।